आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। दलित मुस्लिम एकता मंच भारत के बैनर तले 15/2/19 को थाना मझोला क्षेत्र में पवन नाम के युवक का शव मिलने पर पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई न किए जाने को लेकर परिजन एसएसपी कार्यालय पर इकट्ठा हुए और पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए एसएसपी को एक शिकायत पत्र के माध्यम से मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि नाम दर्ज एफआईआर देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करते हुए पुलिस को आरोपी के साथ हमसाज होने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि जब हमने नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करा दी तो फिर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। इस मुद्दे को लेकर परिजनों ने दलित एकता मंच के बैनर तले एसएसपी को एक शिकायत पत्र सौंपा है। पवन जो लड़का था हमारा, सोनी का पुत्र है इनका, तो उसका मर्डर हुआ है 15 तारीख में जो है रात को। वो फैक्ट्री से काम करने के बाद वापस घर आ रहा था और उसके साथ जो उसका ही साथी रवि था, वो रवि के साथ वहां से निकला। वो घर नहीं पहुंचा, तब जब इन्होंने ढूंढा है तो उसको जो है रात के 2 बजे जो ठेकेदार था, ठेकेदार रामधारी है, तो रामधारी ठेकेदार ने 2 बजे सूचना इनको फ़ोन पे दी कि आपका लड़का वहां पड़ा है, उसको उठा के ले जाइए। तो साथियों जो है इतना मतलब 9 बजे तक उसको सूचना प्राप्त हो गई थी रामधारी को, ठेकेदार को, कि वो वहां पे मृत पड़ा है, लेकिन उसने 2 बजे इनको सूचना दी। FIR 2 दिन बाद पुलिस करती है, 17 तारीख में 302 में नेम्ड FIR है। थाना मझोला पुलिस के द्वारा कई बार जो है कहने के उपरांत जो है FIR दर्ज हुई और 2 दिन बाद FIR दर्ज होने के बाद आज 10 दिन बीत गए। पीड़ित परिवार हर तरीके से जो है उनसे निवेदन कर रहा है कि जो नेम्ड मुलजिम है और जो ठेकेदार है या जो भी अन्य उसमें दोषी हैं उनको गिरफ्तार करो, जेल भेजो, लेकिन थाना पुलिस के कान पे जू नहीं रेंग रही। थाना पुलिस निष्क्रिय है, थाना पुलिस की भी कार्रवाई संदिग्ध लगती है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही। इतने गंभीर मामले में मर्डर हुआ है, PM पुलिस द्वारा कराया गया है, 302 की FIR है, उसके बावजूद भी मुलजिम को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर रही। हम भी मिले थाना पुलिस से, हमें भी आश्वासन दिया, लेकिन हमको भी मिलने में 2-3 बार जो है हम मिले हैं, निवेदन किया है, तब जो है आश्वासन के अलावा पुलिस थाना कुछ नहीं कर रही है, आश्वासन दे रही है खाली। हमारी मांग आज रही है ये कि सभी लोगों से, आपसे भी ये निवेदन है कि ऐसे गंभीर मामलों में जहां हत्या हुई है और हत्यारों को पुलिस छोड़ रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही, तो वहां हमारी मांग है कि थाना पुलिस अभियुक्त को, नेम्ड अभियुक्त को और संदिग्ध जो है जो रामधारी है ठेकेदार, उसको गिरफ्तार करें शीघ्र और जेल भेजें, यही हमारी मांग रही है।